हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज एप्लीकेटर फ्रॉम पैक। इनको मैंने लिया था नायका से और तब से अभी तक मैंने इनको काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है, तो मैंने सोचा आज मैं इनका भी रिव्यू कर दूं। पैक के प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू कर रही हूं अपने चैनल पे कुछ दिनों से, तो मेरे पास बहुत सारे पैक के प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे पसंद भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं पसंद हैं, तो मैं उनका भी रिव्यू कर रही हूं अपने चैनल पे। तो आज मैंने सोचा कि मैं इनका रिव्यू कर दूं पैक के मिनी ब्लेंडर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूं, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूं और मेरे चैनल पे आपको मेकअप के रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स, आई मेकअप, मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़, हेयर स्टाइलिंग अप्लाइंस के ऊपर रिव्यूज़। और अभी कुछ टाइम हुआ है मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, अभी तक मैंने 4 ही व्लॉग अपलोड किए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी आपके साथ और भी अपने व्लॉग्स। तो अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इस पाउच में मुझे ये मिले थे, यहाँ पे मैंशन है 2 पीसेस वाटर ड्रॉप ब्लैक और यहाँ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज एप्लीकेटर फ्रॉम पैक। पीछे आपको इसका MRP मिल जाएगा, ये है इसका MRP 285 रुपीज़। और नीचे इन्होंने इसके यूजेज एंड केयर बताए हैं। और ये हैं दोनों ब्यूटी ब्लेंडर्स, तो अभी थोड़ी देर में मैं इनको वेट कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको इनका साइज बताऊंगी कि कितना बड़ा हो जाता है। वेट होने के बाद इनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये हैं वेट होने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और रेडी टू यूज़ हैं। अब मैं बात करूंगी इनके यूजेस के बारे में। एज़ यू कैन सी दे आर वेरी स्मॉल, तो इतने छोटे मिनी ब्लेंडर्स जो हैं वो हम कहाँ कहाँ अपने फेस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको कंसीलर लगाना है अपने अंडर आई एरिया में और आईज़ के ऊपर, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं आपके आई के इनर कॉर्नर्स में जाके, क्योंकि जो इनका ऊपर वाला जो ये टिप है उससे आप इजीली आई के कॉर्नर्स के अंदर जाके वहाँ पे फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। और आईज़ का जो ये ऊपर वाला एरिया होता है, ये स्पेशली मैं इनको इसके लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे इनकी वजह से ये आपके बहुत ही ज़्यादा छोटे जो एरियाज़ रहते हैं हमारे फेस के, उधर ब्लेंडिंग करने के काम आते हैं। और मैं इनको हाईलाइटिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ। वैसे तो हम कंसीलर यूज़ करते हैं हाईलाइटिंग के पर्पज़ के लिए, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे स्पॉट्स वगैरह होते हैं किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे ही हमको ब्लेंड करना होता है, सारी जगह नहीं, तो ये उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कहीं पे भी फेस पे अगर आपके कहीं पे स्पॉट्स वगैरह हैं, आपने थोड़ा सा कंसीलर लगाया और उसको डैब डैब करना है, इससे ब्लेंड करना है, तो आप इससे कर सकते हो वो काम भी। और मैं इनको यूज़ करती हूँ, एक तो मैंने आपको बताया कंसीलर के लिए, दूसरा जब मैं हाईलाइटर लगाती हूँ अपने हाईलाइटिंग एरियाज़ में, तो हाइलाइटिंग स्टिक जब भी मैं अपने क्लाइंट्स पे ऐसा कुछ करती हूँ तो भी मैं इनको यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो भी एरिया काफ़ी छोटा रहता है और छोटी जगह पे ही मैंने हाइलाइटर को लगाया होता है, क्रीम हाइलाइटर को, तो उससे भी मैं अपने हाइलाइटर को इनसे ब्लेंड करती हूँ। जैसे मैं फोरहेड, अंडर आई एरिया और मेरे लिप्स के ऊपर और चिन के नीचे हाइलाइटर जो मैंने लगाया होता है उसको ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि ये जो स्पॉन्ज है ये ज़्यादा प्रोडक्ट सक नहीं करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको अभी यूज़ किया है अपने फेस पे, लेकिन इसने बहुत कम प्रोडक्ट सक किया है और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा इसके ऊपर यूज़ करने के बाद। इसके बाद जैसे कंटूरिंग होती है नोज़ की, तो नोज़ की कंटूरिंग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप नोज़ की कंटूरिंग आपको नहीं आती है करना और अगर आपने नई नई सीखी और आप डरते हो उसको ब्लेंड करने से, तो ये परफेक्ट हैं उसके लिए। जब नोज़ की कंटूरिंग होती है तो यहाँ पर हम अपना जो डार्क कलर की फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी कंटूरिंग स्टिक हम लगाते हैं और यहाँ के एरिया को हमको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से ब्लेंड करना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ये उस चीज़ को बहुत इजी बना देता है। तो नोज़ की कंटूरिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और जब हम ऊपर वाले एरिया में नोज़ के नोज़ ब्रिज पे जब हम हाईलाइटर लगाते हैं क्रीम हाईलाइटर, तो उसको भी ये बड़े अच्छे से ब्लेंड करता है। जैसे अगर आपने यहाँ से कंटूरिंग की है तो आप नीचे वाले एरिया से अपने क्रीम हाईलाइटर को आप इससे ब्लेंड कर सकते हैं। तो लूज़ पाउडर भी मैं इनके साथ ही अप्लाई करती हूँ, लूज़ पाउडर लेके इनके ऊपर लोड करके, तो मैं इनर कॉर्नर पे अपनी आईज़ के जाके अच्छे से लूज़ पाउडर लगा लेती हूँ, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। और भी जैसे नोज़ कंटूरिंग किया आपने तो नोज़ के ऊपर अगर आपको लूज़ पाउडर लगाना है इससे लग जाएगा, और आईज़ के ऊपर हल्का हल्का डैब करके लूज़ पाउडर आपने अगर सेट करना है तो इससे ये वो भी हो जाएगा। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने इनको लिया था नायका से और इनका प्राइस मैंने आपको बताया है
285 रुपीज़। तो प्राइस वाइज मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे, क्योंकि 285 में आपको दो छोटे छोटे मिनी ब्लेंडर्स मिल रहे हैं, और ये प्रोफेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और अगर आपको मेकअप करना बहुत पसंद है, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो भी आप इनको ले सकते हैं, और इसके साथ आप अपना जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है नायका पे, और अमेजोन पे भी आप इनको ले सकते हो, मिंत्रा पे भी आई थिंक आपको मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी, जहाँ से भी ये मिल रहे हैं मैं उन सबका लिंक नीचे दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, तो उसमें आप क्लिक करके आपको वो साइट पे ले जाएगा जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑन पैक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर। आई होप ये रिव्यू आपको यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।